जब भी फ्री टाइम में बैठे होते हैं, जब कुछ भी करने को नहीं होता है, उस वक्त हम ओवर थिंकिंग करते हैं, यूजलेस टॉपिक्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और ये ओवर थिंकिंग आपके फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए सही नहीं है। जितना ओवर थिंकिंग करोगे, उतने नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, उतनी ही हैप्पीनेस आपकी कम होगी। जैसे इसने ये कैसे कह दिया, वहाँ मैं ये बोल सकता था, आने वाले टाइम में क्या होगा, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे घर वाले मुझे क्यों नहीं समझते हैं, उसको तो एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। इन सब के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं, देन धीरे धीरे हम उन लोगों के बारे में इतना बुरा सोच लेते हैं कि हमारी वहाँ से दरारें आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी रिलेशन हो जिसमें कोई भी बंदा या बंदी ज़्यादा सोचने लग जाता है या लग जाती है, एक एक पॉइंट और एक एक बिहेवियर को नोट करने लग जाता है या लग जाती है, तब चांसेस है बीच में प्रॉब्लम होगी। ऐसे में उस ज़्यादा सोचने वाले की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा यूजलेस चीज़ों के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, उसे चिंता करना कहते हैं, और चिंतन करना अलग होता है। तो पहला है कि खाली बैठना आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करता है और रिलेशनशिप में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि रिलेशनशिप में लाइटली लेना पड़ता है। वहाँ ओवर थिंकिंग करोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो 100% आप सामने वाले को गलत बोल कर आओगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके किसी से बात हो और कुछ बुरा ना हो। एक घंटे अच्छे से बात करी तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक भी चीज़ बुरा लगने जैसा ना हो, हो सकता है। तो ये केवल वो लोग ज़्यादा सोचते हैं जिनके पास ज़्यादा वक्त होता है, जो ज़्यादा खाली बैठते हैं। ये आप खुद ऑब्जर्व करके देखो, वो इंसान जो खाली बैठता है ज़्यादा, वो दोस्ती में ये बिहेवियर नोट करना या छोटी छोटी बात नोट करना ये ज़्यादा करता है, तो वो ऐसी बातों पे ज़्यादा ध्यान देता है। और फिर आता है, जब कोई इंसान ज़्यादा खाली बैठता है उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये आपके लिए कितना सही है वो मुझे नहीं पता, बट जो बंदा इजीली सबके लिए हर वक्त अवेलेबल होता है, वो कुछ अपनों के लिए अच्छा हो सकता है, बट बाहर के लोगों के लिए उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती। बार बार एक ही जगह जाना, बार बार एक ही बंदे को मैसेज करके इरिटेट करना, किसी को लिमिट से ज़्यादा टाइम देना वगैरह, ये आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू कम करेंगे। क्योंकि एक होता है कि हम खुद का पूरा बायो खोल के रख देते हैं कि ये मैं हूँ, तब वहाँ उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। और ये तभी होगा जब आप फ्री होगे, किसी के साथ में बेवजह ही टाइम स्पेंड करोगे। बिजनेस में कई लोग अपने सेल्समैन को क्या सिखाते हैं कि आपको अपने स्टेटस को बिजी बताना है, ताकि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे। आपको ये एमएलएम में मिल जाएगा कि कई लोग अपना झूठा ही स्टेटस बताते हैं बिजी होने का, और फिर कुछ वक्त के बाद कांटेक्ट करता है कि मैं बिजी था। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि ज़्यादा फ्री होता है, जिसके पास में ज़्यादा कुछ काम करने को होता नहीं, उसके पास ज़्यादा वक्त होता है, तो उसको लोग हल्के में लेते हैं। फिर आते हैं जो लोग खाली होते हैं, उनके दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, और उनके साथ में टाइम भी उसी तरह से वेस्ट होता है। जैसे हर रोज कहीं चाय पीने जाना और घंटों तक बेफालतू के टॉपिक्स पर बात करना, कहीं पर अड्डा बना देना और रोज वहाँ जाकर बैठना, गेम्स खेलने चले जाना और मूवीज देखना, जितना टाइम देना चाहिए उससे ज़्यादा देने लग जाना गेम्स और मूवीज में, क्योंकि वो एक दूसरे को मूवीज और गेम्स भी रिकमेंड करने लग जाते हैं कि अरे देखिए गेम्स है, अरे देख वो मूवी अच्छी है। मीन्स एक दूसरे के टाइम को वेस्ट करने में मदद करता है, क्या तेरा भी टाइम वेस्ट करता हूँ, मैंने तो देख लिया, मैंने तो खेल लिया और तेरा भी करता हूँ। और हो सकता है इस तरह से कोई नशे की हैबिट भी आपके अंदर ऐड हो जाए। अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे और कुछ होगा नहीं करने को, तो सामने वाला अगर स्मोकिंग करता है तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि आप भी वो कभी ना कभी शुरू करो। और फिर आता है खाली बैठे हुए लोग फालतू की चीज़ें करने लग जाते हैं, जिसे करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग पर फ़र्क कैसे, हम जैसा सोचते हैं वो उसके बेस पर सोचते हैं जितना हमने देखा और सुना है। हमारा माइंड केवल वही सोच सकता है जो हमारी मेमोरीज में है, जो कलेक्ट हुआ है देखकर और सुनकर महसूस करके। तो जैसे एपिसोड्स, सीरीज या मूवीज देखोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वैसी ही होती चली जाएगी। और ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि आपने फालतू की मूवीज़ और एपिसोड्स देख कर ये समझ लिया कि इस दुनिया पर तो सब मतलब ही है, क्योंकि ये सब एपिसोड्स और सीरीज में बताया जाता है, तो वहाँ से सीख लिया कि सही तरीके से कभी अमीर नहीं बन सकते,
ये गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है वगैरह, पूरी तरह से नेगेटिविटी अपने अंदर भर ली और पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है फिर। और कोई बंदा दूसरा अगर पॉजिटिव कर रहा है तो उसमें भी कुछ नेगेटिव ढूंढेगा कि ये इसलिए नहीं इसलिए कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ अभी से इस वीडियो के जस्ट एंड होने के बाद आप अपने वक्त को अच्छे तरह से इस्तेमाल करोगे। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से न जाने कितने लोगों का वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा। तो अभी शेयर कीजिए, शेयर बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी यार। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो यानी कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं और अगली वीडियो में और जोरदार बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।